बनानी रही। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए एक कप बेसन, आधा किलो दही, 6-7 हरी मिर्चें जो मैंने पीस ली, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून के करीब, नमक अपने हिसाब से रखें आप, मिर्ची भी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ली है, हल्दी 1.5 टेबलस्पून, ये प्याज ली है मैंने थोड़ी सी, और ये राई है। अब सबसे पहले मैं दही और बेसन को पीस ब्लेंड करूंगी। और बेसन ये मैंने छाना हुआ है। अब मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दही, बेसन और 3 गिलास पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह बीट कर लिया। अब मैं इसमें ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप, इसमें मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, गरम कर लिया। अब मैं इसमें राई दाना डालूंगी। ये देखें, इसकी ज़रा खुशबू आने लगेगी। प्याज, प्याज पे मेरी थोड़ी सी हल्दी लग गई है, रे डालनी तो इसी में ही है। देखिए, प्याज भी हमने बिल्कुल हल्की सी ही फ्राई करनी है, लाल नहीं करनी। ये देखिए, प्याज भी मेरी हल्की सी हो गई है फ्राई। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसमें अच्छी तरह भूनूंगी। जो हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड की थी वो डाल दूंगी। नमक, मिर्चें, हल्दी, मसाला में इसका अच्छी तरह भून के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए, मसाला मेरा अच्छी तरह भून गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं ये जो बेसन और दही इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं अभी पानी और डालूंगी, 4 गिलास, और इसे 4 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। इसको आप जितना अच्छा पकाएंगे उतनी अच्छी आपकी कढ़ी तैयार होगी। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, वरना घुटनी बन जाएगी। मैं 4 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ कढ़ी किस तरह बनती है। ये देखिए, कढ़ी को 4 घंटे हो गए पकते हुए। देखिए इस तरह ये ठीक हो गई। इसमें मैंने 1 चुटकी कलौंजी डाली थी बस। पकोड़ों के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया, 1 आलू इस तरह कटिंग कर लिया मैंने, 2 प्याज लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, नमक, जीरा, अजवाइन और ये अनारदाना और कुटी हुई मिर्चें। अब सबसे पहले बेसन में मैं ये चीज़ें ऐड करूंगी, आलू, अक्सर लोगों के पकोड़े बहुत सख्त हो जाते हैं कढ़ी में, ख़ास तौर से आप कढ़ी के पकोड़े अगर आप पानी में डिप कर लेंगे और फिर कढ़ी में डालेंगे तो आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट होंगे। अब मैं ये गून के दिखाती हूँ आपको किस तरह मैं ठीक रखती हूँ इसका। ये देखें, मैंने पकोड़ों का बेसन घोल लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं डालती हूँ। अच्छा, मैं पकोड़ा एक एक करके ही डालती हूँ, मैं एक साथ लेके और इस तरह करके डालती हूँ।
मैं दिखाती हूँ आपको, हल्की आंच में बनाइएगा ताकि अंदर तक सिक जाए। देखिए पकोड़े में इसमें ऐड कर दूँ। मैं आपको मैंने कहा ये भी दिखा दूँ कि मैंने पानी में से किस तरह डिप किए और मैं इसे पानी में से निकाल के डाल दूँ। और ये इधर मैंने भंगार तैयार कर लिया इसका, इसमें जीरा, धनिया, साबुत गोल मिर्चे और कड़ी पत्ता। और ये पिसी हुई मेथी सूखी हुई और ये पिसा हुआ गरम मसाला। अब हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी में मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।